सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना, कुशल कारीगरी, सोने चांदी के विक्रेता, मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों के नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने बुरहानपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से चर्चा की। दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 130 से अधिक सीटें आएंगी, कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी, मैं सीएम के दौड़ में नहीं हूं। 130 से ज्यादा सीटें आएंगी। बीजेपी का आरोप है कि जो सरकार अगर बनती भी है तो आपस में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ेंगे आपस में। मैं तो पहले ही कह चुका कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, मैं दावे में मैं दौड़ में ही नहीं हूँ। चुनाव मैदान में MIM के उतरने पर उन्होंने कहा, MIM चुनाव हराने के लिए चुनाव लड़ती है, जीतने के लिए नहीं। उन्होंने बीजेपी के बागी और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान से व्यंग में पूछा कि वो कौन से पार्टी में जाएंगे। प्रदेश भर में कांग्रेस के विरोध में काम कर रहे बागियों को 17 नवंबर तक मनाया जा रहा है, अन्यथा उन्हें पार्टी के बाहर किया जाएगा। इंदौर विधानसभा सीट क्रमांक 1 पर कैलाश विजयवर्गीय का मुकाबला कांग्रेस के अरबपति नेता संजय शुक्ला से हो रहा है। इस चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के सभी दिग्गज नेता जो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं उन पर कटाक्ष करते हुए कहा, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, इन सब नेताओं को उनकी औकात दिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव लड़वा दिया। बीजेपी के इन दिग्गज नेताओं के चुनाव हारने के सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा, संकट में तो है। MIM तो केवल हराने के लिए चुनाव लड़ती है, जीतने के लिए थोड़ी लड़ती है। कांग्रेस में जो भी नेता बनता है उसके बाद में कभी MIM में जाता है, कभी बीजेपी में जाता है, क्या लगता है क्यों जा रहे हैं? ऐसा है, अब हर्षवर्धन भैया से पूछो कौन सी पार्टी में जाएंगे। प्रदेश में क्या लगता है सरकार बनती है कांग्रेस की? जी मध्य प्रदेश में सरकार बनती है कांग्रेस की? 100%, 100%। एक नंबर भाई भी काम कर रहे हैं उनको क्या? जी कांग्रेस के जो बागी भी काम कर रहे हैं जी, जो कांग्रेस का काम नहीं कर रहे हैं बागी काम मना रहे हैं 17 तारीख से, मान जाए तो ठीक है, नहीं तो निकालेंगे। राजा साहब, नेपाल अगर जो सीट है वहाँ से जो विधायक जीतता है उसकी सरकार बनती है तो किस तरह ताकत लगाओगे नेपाल अगर? पूरी ताकत लगी हुई है, हमारी गेंदू भाई लड़ रही। महाराज एक बार राजा साहब, एक नंबर का चुनाव कहीं ना कहीं बहुत चर्चा में बना हुआ है, संजय शुक्ला और कैलाश विजयवर्गीय, किस तरह देखते हो उस चुनाव को? देखो, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, इन सबको नरेंद्र मोदी जी ने उनकी औकात दिखाने के लिए विधानसभा का चुनाव लड़वा दिया। क्या लगता है ये सभी लोग दिग्गज चुनाव हारेंगे? हैं? ये दिग्गज चुनाव हारेंगे? संकट में तो है। सन 2002 से संचालित श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, असली सोना, कुशल कारीगरी, हसमुख स्वागत, सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता, हार एवं चूड़ी, वेंदी, करधन, पायलों की हजारों वैरायटियां एवं चांदी की मूर्तियां और बर्तन, राशि रत्नों के विक्रेता, एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार, सागर।